अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगा मशीन का कपड़े को फाड़ना, कपड़े को इकट्ठा करना, एक जगह जमे रहना, नीचे से गुच्छेदार का सिलाई आना और धागे को काटना शामिल है। आप ये आप देख सकते हैं कि इस तरह का ये जब नीचे से निडल जाने के बाद और एक ही जगह जमने के बाद आप देखें यहाँ पे जो है ना कपड़े को भी ये फाड़ रही है और इस तरह गुंडेदार ये लच्छेदार सिलाई, इस तरह सिलाई का आना ये शामिल है। और एक जगह कपड़े को खींच कर मशीन रखती है और आगे जाने नहीं देती है, ये आप देख सकते हैं। इस लिहाज से गुच्छेदार का सिलाई का आना और इस तरह मुख्तलिफ 3-4 बीमारी जो मैंने आपको बताया है ये सब शामिल है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि इस फॉल्ट को आप किस तरह बआसानी आप सही कर सकते हैं। ये देखें एक ही जगह पे ये कपड़े जो है ना नीचे गुच्छे बना रही है और एक ही जगह जम कर ये मशीन चल रही है, मशीन आगे जो है ना कपड़े को नहीं फेंक रही पीछे के जानिब। तो ये देखें अब इसमें क्या फॉल्ट है, ये काफ़ी लोगों ने हमें फरमाइश की है कि नीचे जो है ना मशीन कपड़े को फाड़ रही है, कपड़े इकट्ठा कर रही है, एक जगह कपड़े को जमा कर रख रही है और गुच्छेदार सिलाई का आना शामिल है। और बाज़ वक्त ऐसा भी होता है इसमें धागे भी काट सकती है अगर ज़्यादा अगर ख़राबी हो। तो ये 4-5 ऑप्शन एक ही ऑप्शन के साथ ये क्लियर हो जाएगा। आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक आप ज़रूर देखिएगा, आप फॉरवर्ड नहीं कीजिएगा, कोई भी एक समझ लीजिएगा पॉइंट्स आप ऐसा ना हो कि वो मिस हो जाए। इसलिए मैं बड़ा खुलूस दिल से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग कमेंट्स करते हैं कौन से शहर कौन से कंट्री से, तो मैं आप लोगों को जवाब भी देता हूँ और मुझे खुशी होती है। इस नट को आपने खोल लिया, एकदम डायरेक्टली मैं बताऊंगा इस फॉल्ट को सही करने का। अगर आपके मशीन में ये मैच करता हुआ ये प्रॉब्लम होगा तो ये लाजमी ये मशीन ठीक हो जाएगी। और तकरीबन अगर आपने मेरे पिछली वीडियो को अगर देख लिया है और सारे ऑप्शन को इस्तेमाल कर लिया है तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी मुफीद शामिल होगी। इस वजह से कि इसमें ये वो अगर आपने तमाम मेरे पिछले वीडियो को देख लिया है कि इसलिए धागा काटना और गुच्छेदार का सिलाई आना और धागे को काटना कपड़े को फाड़ना समझ लीजिएगा, तो इस तरह का प्रॉब्लम मशीन में मुख्तलिफ वजूहात के बिना पर समझ लीजिएगा आता है। तो आप मेरे सारे वीडियो को मुताला कर लिया करें, आप एक ही वीडियो को देख करके कि आप वो ऑप्शन को तलाश करने की कोशिश करेंगे कि मैंने ये तो देख लिया और हुआ नहीं, तो ऐसा नहीं है। लाजमी बात है कोई ना कोई एक वीडियो जो ऐसी होगी जो आपने देखा और से, तो वो वीडियो लाजमी वो वीडियो देखने के बाद आपकी मशीन सही हो जाएगी उम्मीद करता हूँ। तो आप देखें पहले इसको आप प्लेट को खोलें, निडल प्लेट। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपके पास मशीन है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मशीन हर घर की ज़रूरत, चैनल हमारे घर की हर घर की ज़रूरत। इसको आपने निडल प्लेट बराह रास्त डायरेक्ट खोलना है, बाकी किसी चीज़ को नहीं देखना है। जो मैं आप टू दी पॉइंट मैं आपका टाइम नहीं लेना चाहता हूँ दिगर सामान को खोल करके करके, आप देखें इसमें प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है। ये देखें नीचे से ये धागा मशीन पकड़ रही है यहाँ से, देखें इस तरह गुच्छेदार सिलाई का आना हो रहा है यहाँ से। तो अक्सर ये होता है, बाज़ वक्त इसको बहुत ही अच्छे समझ लीजिएगा अच्छे अंदाज़ में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें ये निडल प्लेट ये नीचे बैठ गया है, ये इसकी जो लाइनिंग है आपने देखा होगा देख रहे होंगे। और ये देखें यहाँ से यहाँ पर ये जो सुई प्लेट है निडल प्लेट D
डी प्लेट भी कहते हैं। ये देखें यहाँ से खरोच है, खरोच आप गौर से देखें, इस खरोच की वजह से बाज़ वक्त धागा बहुत ज़्यादा स्पीड में धागा तोड़ रही होती है। और लाजिम बात है ये धागा यहाँ से क्रॉस नहीं कर रहा होगा तो मशीन एक जगह कपड़े को जमाएगी और कपड़े को भी फाड़ेगी और नीचे गुच्छेदार सिलाई का आना भी शामिल होगा। तो मैं इस प्लेट को अगर इसकी होल बहुत ज़्यादा अगर बड़ी हो गई है तो मैं आपको मशवरा दूंगा ये निडल प्लेट को चेंज कर लें। अगर आपको इसी को गुजारा करना है और इसके निडल, तो इस निडल प्लेट को रिपेयर करके भी चला सकते हैं और नया लगा करके भी आप मशीन को सही कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, ये देखें बहुत ज़्यादा खरोच है कि आपके यहाँ जब आप बाज़ वक्त ऐसा होता है कि आपको ये खरोच यानी खुरदरा और जो बहुत ज़्यादा नुकीले समझ लीजिएगा ये बहुत ज़्यादा ये प्लेट के पीछे इसके जानिब है, तो आप इसको अगर ये नज़र भी ना आए तो आप इसको ये करें कि निडल प्लेट के पीछे के हिस्से पे आप इसको उंगली यहाँ पे रख कर करके के आप इसको इसका खरोच को इसका चेक कर सकते हैं। अगर आपका माइनर सा भी है, अगर मेजर हो या माइनर हो, दोनों भी आप उंगली रखेंगे तो आपका अंदाज़ा लग जाएगा ज़्यादा है या कम है। तो अगर आपकी मशीन में इस किस्म का कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मशीन को नीचे निडल प्लेट के नीचे इसको खोल करके आप इसको अपने हाथ की उंगली को रख करके यहाँ पे आप चेक करके ये देख लें कहीं यहाँ पे खरोच वगैरह तो नहीं है। इस खरोच किसे धागा निकलते वक्त स्पीड में यहाँ से धागा तोड़ सकती है, तो लिहाजा आप इस चीज़ को ध्यान रखना है, ख्याल रखना है इस चीज़ को, ठीक है। अब इसको देखें, इसको आप इसको कैसे सही कर सकते हैं, बहुत ही इजी आसान अंदाज़े बताऊंगा जो आपके घर में जो भी कोई नॉर्मली सामान होगा उसकी मदद से भी आप सही कर सकते हैं। आपने इस खरोच को ख़त्म करना है। अगर ये बहुत ज़्यादा है, अगर इसकी लाइनें टेढ़ी जा रही हैं तो आपने क्या करना है, इसको इस तरह करके आपने इसको मारना है। ये लाइनें सीधी हो गई, ये देखें बिल्कुल खरोच सा नज़र आ रहा होगा आपको। अब आपने क्या करना है, अगर आपके घर में कोई फाइल है इस लिहाज से इसको तोड़ दें आप, इसको सिंगल ब्लेड को और नोकदार हो जाए इसकी मदद से आप इसको, इसलिए ये बहुत हार्ड और टेम्पर होता है, ये टेम्पर वाला टेम्पर सख्त बिल्कुल, तो आप इसकी मदद से इसको बिल्कुल एकदम इस तरह करके आप इसको सही करें। और आपको गाइड कर दे रहा हूँ इसकी मदद से, इस तरह इसको सफाई करें, इसको काफ़ी खुरचे हैं, इसको जब बिल्कुल जब साफ़ हो जाएगा, जब इसको आप यहाँ पे उंगली रखेंगे तो आपको खरोच महसूस नहीं हो, या आपके घर में इस तरह रेगमाल या कोई इस तरह दूसरी कोई चीज़ होगी, लाजिम हमारे पास सारी जदीद चीज़ें हैं तो मैं इसको इस लिहाज से भी कर सकता हूँ। इसको आसानी से यूं कर करके इसको आपको स्क्रब को ख़त्म करना है, या आपके पास नॉर्मली कोई पेचकस है अगर धार है उसमें तो आपने इसकी मदद से भी इस लिहाज से आगे पीछे दोनों साइडों सुराखों पे सुराख पर यानी निचले हिस्से पे और ऊपर के हिस्से में, नीचे हिस्से पे आपको ज़्यादा जोर देना है, किसलिए ऊपर ज़्यादा नहीं होता है ज़्यादा लाजिम आता है, सुई जो है ना इधर से हिट करने के बाद इसका स्क्रैप पीछे के जानिब होता है, तो आपको इसका इस तरह खरोच जो है नोकीलेदार को आपको यहाँ से आपको ख़त्म करना है। तो आपने आहिस्ता इसको इस तरह करना है, या दो तीन ऑप्शन और ही बता देते हैं। बाज़ वक्त ऐसा होता है कि रेगमाल इस तरह ये बारीक रेगमाल ले लें और इस तरह इसको आपने इसको सुराख में इधर आर पार इधर ही किया इसको आपने, और इस तरह अपने ये देखें इसको इस रेगमाल को बारीक यानी फाड़ लिया आपने और इस तरह आपने निकाल लिया, और निकालने के बाद इसको इस तरह जो है आपने इसको इस तरह पकड़ करके आप किस या किसी को साथ पकड़ा करके किसी को दूसरे को साथी को पकड़ा दिया जो भी आपके साथ शामिल है सामने हैं इनको दे करके इस लिहाज से आपने इसको इस तरह ज़ोर से पकड़ करके, मैं तो वॉइस में लगा के मैं आपको दिखा सकता हूँ लेकिन आपको वॉइस पे दिखाऊंगा तो आप ये कहेंगे मेरे पास तो वॉइस है नहीं तो इस मसले का हल क्या होगा, तो ऐसा नहीं है। इसको इस तरह करके गोल घुमा लें इस तरह रेगमाल को,
इस तरह कोई भी रेग माल होगा उससे आप किनारा थोड़ा सा फाड़ लेंगे ना, तो इस तरह आप इसको आसानी से इस तरह से करें। और ये देखें, ये साफ नज़र आ रहा है आपको, इस तरह आप साफ़ कर लें। लेकिन ये निडल प्लेट ये काफ़ी बड़ा हो गया है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, या अगर आपके पास इतनी मोहलत नहीं है इमरजेंसी सिलाई निकालनी है आप बाद में कर लीजिएगा, तो आप इसी प्लेट को चला लें। ये देखें बिल्कुल सीधी हो गई है लाइनें, ठीक है। और ये देखें इसका सुराख इतनी होनी चाहिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कंपेयर में। ये देखें ये निडल प्लेट का होल देखें और इसका होल देखें, तो ये ज़्यादा छोटा भी रखना नहीं होता, हम लोग इसका थोड़ा साइज़ को बड़ा कर देते हैं। इस वजह से जब आप लोग सिलाई निकालते हैं या निकालती हैं तो उसमें ये होता है कि जो है निडल जो है ना ये साथ में ना लगे, तो इस लिहाज से हम लोग इसकी टचिंग को हटा देते हैं। तो बीच सेंटर करने के लिए और बीच में रख कर करके थोड़ा सा होल को बड़ा कर देते हैं कि हर किस्म के कपड़े आपके आसानी से सिलाई हो सके। तो आपने इस तरह इसको सफाई कर लिया और आपने इस लिहाज से इसको चेक कर लिया। इसमें देखें इसमें बिल्कुल खुरदरा नहीं है, बिल्कुल देखिए कोई स्क्रब नहीं है। और थोड़ा सा आपने इसको रेग माल ले करके आपने इसको इस तरह इसको सफाई कर लिया। मेरे एक एक गुफ्तगू आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, इसलिए जो है ना डायरेक्टली अगर मैं इसको काम करके इसको वर्क करके फौरन दो तीन मिनट में अगर इसको बंद कर दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो सुलझे हुए लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो भी समझते हैं इन चीज़ों को, तो वो मेरे लेक्चर को अहमियत समझ सकते हैं कि मैं आपके लिए मैं कितनी कोशिश में हूँ कि आपकी सिलाई जो है ना बिल्कुल ठीक हो जाए मशीन की। तो इसी वजह से मैं आप लोगों के दरमियान इस गुफ्तगू कर रहा होता हूँ कि कोई भी चीज़ें ऐसी गलती ना हो जाए कि आपकी मशीन सही सिलाई ना निकाल सके। इससे आपने दोनों प्लेट को इसको लगा लिया आपने इस तरह, और इस तरह आपने इसको दोनों पेज को आपने फुल टाइट मार दिया आपने इस पर, और उसके बाद आपने ये पैर लगाया। और इसको टाइट कर दिया। जिन्होंने मेरी तमाम वीडियो को देख करके अगर आपने मशीन को चेक कर लिया और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपकी मशीन काफ़ी अच्छी हो जाएगी और ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। ये आप लोग जब कमेंट्स करते हैं कि आपकी वीडियो देखने के बाद मेरी मशीन सही हो गई, तो यकीन जाने मुझे बहुत खुशी होती है। अब देखिए मैं अब चेक कर रहा हूँ, प्लेट को बीच हिस्से से लगाना है आपने, और आपने इसको इस तरह करके इसका स्प्रिंग को थोड़ा सा आपने इसको ये किया और ये लग गया। अब मैं आपको दूसरे कपड़े में चेक करा रहा हूँ, ये देखें ये देखें सिलाई कितनी अच्छी आ रही है। ये देखें इसकी सिलाई, और भी दिखाता हूँ आपको। ये देखें ये दूसरी लाइन है, ये नहीं ये लाइन, ये देखें क्लोज करें। ये बेहतरीन हो गई ये सिलाई, आपको स्लिक कपड़े पे दिखा रहा हूँ, जो जिसमें कपड़े अक्सर ये शिकायत होता है ये कपड़े को पकड़ लेती है या खींच लेती है ये सिलाई को। तो ये दिगर तीन चार पांच प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया था, इस प्लेट की मदद से आप इसको सही करके आप इस प्रॉब्लम को दुरुस्त कर सकते हैं। इस प्लेट में मैंने प्रॉब्लम दिखाया था, अब आपको इस कपड़े पे दिखाता हूँ। ये भी कपड़ा सिल्क है जो मैंने चेक किया था, अब ये किनारा लगा के दिखा रहा हूँ आपको। बिल्कुल
ये देखें बिल्कुल सिलाई सही है। ये देखें, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप हमारे चैनल को और भी दीगर वीडियो को भी देख लिया करें। किस लिए लाजी बात है, डिपेंड नहीं है कि आपने ये फॉल्ट किया तो ये सही हो जाएगी। वैसे ज़्यादा चांसेस हैं कि ज़्यादातर लोगों का जो प्रॉब्लम, अगर तमाम वीडियो को उन्होंने देख लिया है, अगर उन्होंने जिन्होंने ये हमारी वीडियो को नहीं देखा है और इस मशीन में प्रॉब्लम है, तो अगर आपने वो वीडियो अगर आपने देख लिया या डायरेक्टली आपने देख लिया, अगर आपके ये मैच करता हुआ ये प्रॉब्लम होगा, तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। और आखिर में आप लोगों से गुजारिश है, इस महंगाई के दौर में आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अगर अल्लाह ने आपको साहिब हैसियत बनाया है, तो आपके जो भी बहन भाई बड़े हों या छोटे हों या दीगर रिश्तेदार बहन भाई के अलावा, अगर आपने खिदमत करने के अलावा अगर आपके पास इतना जज्बा है या अल्लाह ताला ने दिया है, तो रिश्तेदारों से हट कर दूसरे लोगों की भी खिदमत करें, ख्याल रखें। चाहे आपसे उनका जहन मिलता हो या ना मिलता हो या बात ख़राब हो, आप माली तौर पर उनका सपोर्ट करें। वो किस हालत से गुज़र रहे हैं अल्लाह ही जानता है। सफ़ेद पोष लोग किसी से जल्दी मदद मांगते नहीं हैं, आप उनसे पूछें नहीं, उनको दें, उनका ख्याल रखें। आप किसी को जॉब लगा सकते हैं तो लगा दें, इस वजह से ये भी सदका जारिया रहेगा। जब तक वो शख्स काम करता रहेगा, चाहे आपके रिश्तेदार में हो या बहन भाइयों में हो या दूसरे लोग हों, जो भी आपसे हो सकता है किसी किस्म का खिदमत, तो आप उनका करें। आप खिदमत और भलाई करने के बाद आप अल्लाह ताला से नेकी का बदला लेने की कोशिश करें, उसका अजर आपको अल्लाह से मिलेगा। सच्चे दिल से करें, नेकी को आखरत का अजर समझते हुए नेकी करते रहें। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। सल्लु अलल हबीब व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।